बोर्ड्स एग्जाम में बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। देखिए बड़ा लिमिटेड सा टाइम होता है और हर एक बच्चा चाहता है कि इन लिमिटेड टाइम को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, तो उसके लिए वो क्या चीज हो सकती है जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम होते हैं और सिलेबस पूरा 100% कवर करना होता है। तो ऐसे में स्पेसिफिक टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, आज की इसकी वीडियो में हम शेयर करेंगे। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपको क्या करना है, 2 मिनट रूल को फॉलो करना है। ये 2 मिनट रूल क्या है, मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है, कंटेंट है या कोई फैक्ट से रिलेटेड चीज है जो अंडर 2 मिनट हो सकती है, इमीडिएटली एक्शन लीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में हमें बहुत बार रिपीट देखने को मिलती है। मान लीजिएगा कि कोई इंपॉर्टेंट डेट है, आपको लगा था कि यार वो 1789 या फिर 1790, तो इमीडिएटली आप एनसीईआरटी चेकआउट कीजिएगा और लिख लीजिएगा। क्योंकि समटाइम क्या होता है, पहले माइंड में था, हमने चेकआउट नहीं किया, फिर दोबारा देखा कि यार ये तो फाइनल एग्जाम के अंदर आ गया और अभी भी श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए कोई चीज अगर अंडर 2 मिनट्स है तो उस टास्क को आप कंप्लीट कर लीजिएगा और बेटर रहेगा कि उसे लिख लीजिएगा, ये आपके काफी काम आएगा। सेकंड जो चीज है वो है ईट दैट फ्रॉग, मतलब कि जब भी आप अपनी कोई स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसे सबसे पहले कीजिएगा। ये जो फ्रॉग है ना, वो आपका एक मेन बड़ा चैलेंज है, तो अगर आप उसे कर लेते हो तो आप भी जानते हो कि इसके जो रिजल्ट होंगे वो ये होंगे कि आप एक तो अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करोगे और आपका जो फोकस लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने जो मेन चीज है उसे पहले ही कवर कर लिया, तो आप जो बाकी का जो पोर्शन है वो उसे क्विक तरीके से कवर कर सकते हो। थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टाइम ब्लॉकिंग को लेकर। लिमिट टाइम में तो कोई भी अगर आप चीज कर रहे हो तो टाइम ब्लॉकिंग के साथ करो, कोई स्पेसिफिक टाइम को एलोकेट कर लीजिएगा जिसके अंदर आप जो भी आपके वेरियस सब्जेक्ट हैं उनको कवर कीजिएगा। मान लीजिएगा कि अपकमिंग डेज के अंदर आपके बैक टू बैक 2 एग्जाम है जिसमें या 3 या 4 दिन का ही टाइम है, तो स्पेसिफिक टाइम को ब्लॉक करके उस लिमिटेड टाइम को उसे यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेगी ताकि आप प्रोक्रेस्टिनेट ना हो सको। उसके बाद आता है ABC प्रायोरिटाइजेशन। इसका मतलब क्या है, यानी ABC मेथड के अकॉर्डिंग ए लेवल पे जो हाईली रिकमेंडेड है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, उसे अपनी प्रायोरिटी पे रखना है। बी लेवल में आप मीडियम लेवल का और सी लेवल पे आप लो लेवल का रख सकते हो। बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो देखना आपको भी काफ़ी एक सिस्टमेटिक तरीके से जो आप चाह रहे हो टाइम मैनेजमेंट को लेकर, ये चीज़ें भी आपकी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होगी और आपको एक नेक्स्ट लेवल का ही कॉन्फिडेंस देगी जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा और बाकी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड सारी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।